हमारे डबल सर्कुलेशन इन मैन। ऑल्दो ये टॉपिक मैंने जब आपको ब्लड सर्कुलेशन थ्रू द हार्ट पढ़ाया था तब डिस्कस किया था, बट अब हम थोड़ा और डिटेल में इसको स्टडी करेंगे। तो देखिए, डबल सर्कुलेशन जो होता है, आपको बेसिक तो पता चले गए होंगे कि एक ही टाइम पे हार्ट में दो अलग अलग तरह के ब्लड सर्कुलेशन देखने को मिल रहे हैं। जैसे एक केस में हमने देखा था कि ब्लड जो है वो पूरी बॉडी से कलेक्ट होकर हार्ट में आपका पोर होता है, देन हार्ट से फिर वो पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होता है। एंड दूसरा सर्कुलेशन जहाँ पर हार्ट से ब्लड लंग्स में जाता है प्योरीफाई होने के लिए, एंड लंग्स से फिर वो प्योरीफाई ब्लड वापस से हार्ट में आता है ना। तो एक ही टाइम पर दो अलग अलग तरह के सर्कुलेशन को ही हमने कहा था आपका डबल सर्कुलेशन। तो देखो, अब हम उसी को थोड़ा और डिटेल में एंड नई टर्म्स एंड टर्मिनोलॉजीज को हम स्टडी करेंगे। तो देखिए, द सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ मैन इज कॉल्ड डबल सर्कुलेशन एज द ब्लड पासेस थ्रू द हार्ट ट्वाइस इन वन कंप्लीट साइकिल। तो हार्ट में एक कंप्लीट साइकिल में ब्लड जो है वो दो बार पास ऑन होता है, ठीक है। तो इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, डबल सर्कुलेशन ऑफ द ब्लड। सो दिस इज अनदर वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट डायग्राम फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। अगर आपसे डबल सर्कुलेशन पूछा जाता है तो आप सिर्फ थ्योरी लिख कर आ जाएंगे तो आपको नंबर नहीं मिलेंगे, आपको ये डायग्राम प्रॉपर बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो, यहाँ पर आपको दो नए नए नाम देखने को मिल रहे होंगे। नंबर वन इज पल्मोनरी सर्कुलेशन, अनदर वन इज सिस्टमिक सर्कुलेशन, ठीक है। अब आपके पल्मोनरी सर्कुलेशन में क्या होता है, बेसिकली यहाँ पर जो ब्लड का फ्लो होता है वो फ्रॉम द हार्ट टू द लंग्स होता है एंड फिर वापस से लंग्स से हार्ट में, ठीक है। जबकि उसके कंट्रास्ट में जो सिस्टमिक सर्कुलेशन होता है, वहाँ पर बॉडी से जितना भी वेस्ट ब्लड होता है, या कहिए इम्प्योर ब्लड होता है जिसमें CO2 होता है, वो आपका हार्ट में कलेक्ट होता है एंड देन हार्ट से जितना भी प्योरीफाइड ब्लड होता है जिसमें ऑक्सीजन होता है, वो आपका वापस से चला जाता है बॉडी के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर आपका बॉडी से हार्ट एंड हार्ट से बॉडी वाला सर्कुलेशन है, जबकि पल्मोनरी सर्कुलेशन बेसिकली रिप्रेजेंट द मूवमेंट ऑफ ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू द लंग्स एंड फ्रॉम द लंग्स टू द हार्ट, ठीक है। एंड ये दो अलग अलग सर्कुलेशन हो रहे हैं एक कंप्लीट साइकिल में, इसी को कहा जाता है डबल सर्कुलेशन। तो जब आपको डबल सर्कुलेशन एक्सप्लेन करना होगा तो आप उसमें सबसे पहले पल्मोनरी सर्कुलेशन को एक्सप्लेन करोगे कि वो क्या है, एंड फिर आप उसका सिस्टमिक सर्कुलेशन एक्सप्लेन करोगे, एंड देन ये डायग्राम बना दीजिएगा, पूरा आंसर आपका कंप्लीट हो जाएगा, आपको पूरे नंबर मिलेंगे, ठीक है। तो देखो, यहाँ डायग्राम में क्या दिखाया गया है, ये बीच में उन्होंने हार्ट दिखाया है, ठीक है। ये क्या है, हार्ट है, ठीक है। अब इसमें यहाँ पे लिखा है पल्मोनरी आर्टरी जो कि लंग्स में लेकर जा रही है। आपको पता ही है कि जो इम्प्योर ब्लड होता है वो राइट एट्रियम में पोर होता है एंड राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में, राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरीज के थ्रू वो लंग्स में चला जाता है प्योर होने के लिए, यानी कि ऑक्सीजनेटेड होने के लिए। एंड जब वो प्योर हो जाता है तो फिर वापस से पल्मोनरी वेन्स उसको लेकर आती हैं लेफ्ट एट्रियम में, यानी कि लेफ्ट साइड में आपके हार्ट के। आप देखो, यहाँ पर दोनों ही आर्टरीज एंड वेन का नाम है पल्मोनरी आर्टरी एंड पल्मोनरी वेन, इसीलिए सर्कुलेशन को भी नाम दे दिया गया है पल्मोनरी सर्कुलेशन, ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं सिस्टमिक सर्कुलेशन। तो देखो, आपकी बॉडी से जितना भी इम्प्योर ब्लड होता है वो कौन कलेक्ट करता है, वेना केवा कलेक्ट करती है, ठीक है। एंड ये वेना केवा इस इम्प्योर ब्लड को कहाँ पोर कर देती है, राइट एट्रियम में, है ना। एंड राइट एट्रियम से वो चला जाता है आपका राइट वेंट्रिकल में, फिर वो प्योरीफाई होकर वापस से आता है लेफ्ट एट्रियम में, लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल, एंड लेफ्ट वेंट्रिकल से जुड़ी होती है आपकी एओटा, एंड वो इस प्योर ब्लड को फाइनली लेकर जाती है पूरे बॉडी में, जहाँ जहाँ पर भी इस ऑक्सीजनेटेड ब्लड की नीड है, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर जो ब्लड का सर्कुलेशन है वो बॉडी से हार्ट में है एंड हार्ट से फिर से बॉडी में है, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं सिस्टमिक सर्कुलेशन, एंड ये दोनों सर्कुलेशन हार्ट में एक ही टाइम पर हो रहे होते हैं, इसीलिए हम इसको बोलते हैं डबल सर्कुलेशन, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट हेडिंग इज हार्ट ऑफ डिफरेंट वर्टिब्रेट्स। तो देखो, अभी तक जो हमने हार्ट पढ़ा वो तो ह्यूमन बींग्स का हार्ट था, एंड ह्यूमन बींग्स जो है वो आपके मैमल्स में आते हैं, ठीक है। बट क्या सारे ही एनिमल्स जो अलग अलग ग्रुप में है, क्या उनका भी हार्ट हमारे जैसा ही होता है या उसमें कोई डिफरेंस होता है? तो अब हम उसी को स्टडी करने जा रहे हैं। तो देखो, यहाँ पे हेडिंग लिखी है हार्ट्स ऑफ डिफरेंट वर्टिब्रेट्स। तो सबसे पहले तो बताइए, वर्टिब्रेट्स कितने टाइप्स के होते हैं?
तो देयर आर मेनली 5 वर्टिब्रेट्स. नंबर 1 पाइसिस, नंबर 2 इज एम्फीबियंस, नंबर 3 इज रेप्टाइल्स, नंबर 4 इज योर एव्स एंड लास्ट इज मैमल्स. तो देखो मैमल्स के हमने एक मेंबर को ऑलरेडी स्टडी कर लिया है, दैट इज ह्यूमन बींग्स के हार्ट को हमने देख लिया है. तो इसीलिए हम कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि ऑल द मेंबर्स ऑफ ग्रुप मैमल हैव द सेम हार्ट, दैट इज 4 चेम्बर्ड होगा एंड डबल सर्कुलेशन उसमें होता होगा. ठीक है, बट क्या ये चीज़ बाकी सारे वर्टिब्रेट्स के लिए भी एप्लीकेबल है? क्या पाइसेस, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, एप्स में भी यही चीज़ होती है या फिर कुछ डिफरेंस है? तो उसको देखते हैं. तो देखो सबसे पहले हम बात करते हैं एप्स पर. ठीक है, तो देखो एप्स की कुछ खास बात होती है कि ये आपका वार्म ब्लडेड एनिमल है. कैसा होता है? वार्म ब्लडेड. अच्छा, एप्स का मतलब समझ रहे हो ना, बर्ड की फैमिली है. जितने भी बर्ड्स आप देखते हो अपने आसपास में वो सारे एप्स में आते हैं. ठीक है, तो देखो इनका फीचर है वार्म ब्लडेड एनिमल्स. नाउ वार्म ब्लडेड एनिमल्स का क्या मतलब होता है? वो कोई भी एनिमल जो कि एक कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर मेंटेन कर सकता है, नो मैटर जो सराउंडिंग का टेम्परेचर वो कितना भी ज़्यादा हॉट या कोल्ड क्यों ना हो. ठीक है, जैसे कि ह्यूमन बींग्स हैं, हम हैं, हमारा टेम्परेचर भी कांस्टेंट रहता है. भले ही आपके सराउंडिंग में कितनी भी गर्मी हो, आपकी बॉडी का टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है 98 डिग्री फारेनहाइट. ठीक है, सिमिलरली आपके इन्वायरमेंट में कितनी भी ठंडी आए, 0 डिग्री सेल्सियस में भी ह्यूमन बींग सर्वाइव कर सकते हैं. क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी जो है वो एक कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन कर सकती है. तो सिमिलरली जो आपके एप्स होते हैं ये भी आपके हमारे जैसे ही मैमल्स की तरह ही ये भी वार्म ब्लडेड एनिमल्स हैं. यानी कि नो मैटर कितना भी सराउंडिंग का टेम्परेचर में डिफरेंस हो, उनका बॉडी का टेम्परेचर चेंज नहीं होता है, वो कांस्टेंट रहता है. अब इस फीचर को गेन करने के लिए दे हैव टू स्पेंड अ वेरी मच अमाउंट ऑफ एनर्जी. ठीक है, तो एक कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी लगती है. तभी तो मैमल्स में 4 चेंबर दिए गए हैं हार्ट के, ताकि किसी भी तरह से ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आपस में मिक्स ना हो. क्योंकि वो मिक्स हो जाएंगे तो ऑक्सीजन का कंटेंट रिड्यूस हो जाएगा, सेल्स को प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, मिक्स ऑक्सीजन मिलेगी. ठीक है, तो इसीलिए ऐसा ना हो, इसीलिए पार्टीशंस लगे हुए हैं 4 अलग अलग तरह से. ठीक है, क्यों? ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी जो है वो उनको सप्लाई हो. क्यों चाहिए उनको इतनी एनर्जी? क्योंकि उनको अपनी बॉडी का टेम्परेचर कांस्टेंट रखना है, नो मैटर बाहर का टेम्परेचर कितना भी गर्म हो या ठंडा हो. सिमिलरली बर्ड्स जो होती है, क्योंकि इनको भी अपना टेम्परेचर कांस्टेंट रखना है, यानी कि इनको भी खूब सारी एनर्जी चाहिए इस टेम्परेचर को मेंटेन रखने के लिए. ठीक है, इसीलिए इनका भी हार्ट जो होता है वो मैमल्स की तरह ही होता है, यानी कि 4 चेम्बर्ड. ठीक, तो इनका हार्ट कैसा हो गया? 4 चेम्बर्ड हार्ट. ठीक है, 4 चेम्बर्ड हार्ट का फ़ायदा क्या होता है? इसमें पार्टीशंस होते हैं जिसकी वजह से ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आपस में मिक्स नहीं होता है. एंड मिक्स नहीं होगा तो बहुत अच्छे अमाउंट में ऑक्सीजन जो है वो आपके बॉडी की सेल को मिलेगा, एंड बहुत ज़्यादा एनर्जी जो होगी वो प्रोड्यूस होगी, एंड वो एनर्जी को ये बर्ड्स यूज़ कर लेंगी अपने बॉडी के टेम्परेचर को कॉन्स्टेंट रखने के लिए. ठीक है, तो इसीलिए इनका हार्ट कैसा है? 4 चेम्बर्ड. तो ऑब्वियस ही बात है, 4 चेम्बर्ड हार्ट है तो सर्कुलेशन भी कैसा हो जाएगा? डबल सर्कुलेशन. ठीक है, तो यहाँ पे नंबर 3 आ जाएगा, डबल सर्कुलेशन भी इनमें देखने को मिलता है. तो ये जो फीचर है कुछ कुछ आपका मैमल्स की तरह ही है, इसमें भी 4 चेम्बर्ड हार्ट, डबल सर्कुलेशन एंड वार्म ब्लडेड. ठीक है, तो एप्स जो है वो आपके पूरी तरह से मैमल्स को रिजेंबल करती हैं. ठीक है, हार्ट के मामले में. नेक्स्ट आते हैं रेप्टाइल्स पे. ठीक है, नाउ रेप्टाइल्स के जो खास फीचर है वो ये है कि ये आपके होते हैं कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स. कैसे? कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स. नाउ कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स क्या होता है? वो कोई भी एनिमल जो कि आपका मेंटेन नहीं कर सकता है कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर, उसको बोला जाता है कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स. यानी कि उनका टेम्परेचर आउटर टेम्परेचर के साथ चेंज होता रहता है. अगर आउटर टेम्परेचर 55 डिग्री सेल्सियस है तो उनकी बॉडी का भी टेम्परेचर उसी हिसाब से
55 डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट हो जाएगा। सिमिलरली अगर आउटर टेम्परेचर आपका -10 डिग्री सेल्सियस है तो उनकी बॉडी का टेम्परेचर भी उसी अकॉर्डिंग घट जाएगा। ठीक है, तो ये अपना कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर नहीं मेंटेन कर सकते हैं, इसीलिए इनको कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स बोलते हैं। ठीक है, अब कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर मेंटेन ना करने के पीछे का रीज़न क्या है? क्योंकि इनका जो हार्ट है उसमें जो ब्लड है वो आपस में मिक्स हो जाता है, यानी कि जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है एंड ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो आपस में मिक्स हो जाते हैं, इसीलिए इनमें एनर्जी ज़्यादा बनती नहीं है। एनर्जी ज़्यादा बनती नहीं इसीलिए ये कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स कहला रहे हैं। ठीक है, देखो हर एक चीज़ का लॉजिक है। तो इनका जो हार्ट है वो आपका होता है 3 chambered, ठीक है, 3 chambered, 2 auricles होते हैं इसमें एंड 1 ventricle होता है। ठीक है, जिसकी वजह से हार्ट में मिक्सिंग हो जाती है ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की एंड बॉडी को फिर प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है। ठीक है, उसकी वजह से ज़्यादा एनर्जी नहीं जनरेट होगी एंड ज़्यादा एनर्जी नहीं जनरेट होगी तो वो फिर अपने बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन नहीं कर सकते क्योंकि उसके लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए। ठीक है, तो वो बस उतनी ही एनर्जी यूज़ करते हैं जितना कि उनकी लाइफ के सर्वाइवल के लिए इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, एंड जब जब बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम इन्वायरमेंट कंडीशन होती है जहाँ पर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई या बहुत ज़्यादा लो हो जाता है तब वो हाइबरनेशन में चले जाते हैं। तभी आपने देखा होगा कि जो सांप होते हैं, ठीक है, वो सिर्फ आपके बारिश के मौसम में ज़्यादा दिखते हैं, है ना, अदरवाइज आपको ऐसे नहीं दिखेंगे। बहुत ज़्यादा गर्मी में नहीं दिखाई देते, बहुत ज़्यादा सर्दी में नहीं दिखाई देते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो होते हैं आपके कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स एंड उनका टेम्परेचर आउटर टेम्परेचर के साथ बदलता रहता है। अगर आपका बहुत ज़्यादा ठंडी है, अगर -10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है बाहर का एंड अगर वो इस टेम्परेचर में बाहर निकल गए तो उनकी बॉडी भी -10 डिग्री सेल्सियस हो जाएगी, यानी कि ऑन द स्पॉट डेथ हो जाएगी उनकी। ठीक है, इसीलिए जब बहुत ज़्यादा ठंडी या बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है तो ये लोग हाइबरनेशन पे चले जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं रेप्टाइल्स के बाद एम्फीबियंस पर। एम्फीबियंस जो होते हैं इनकी खास बात क्या होती है कि दे कैन लिव ऑन लैंड, ठीक है, एज वेल एज ऑन वाटर। ठीक है, जैसे कि आपके फ्रॉग होते हैं ना एंड सैलमेंडर होते हैं, तो ये सब आते हैं आपके एम्फीबियंस में। तो एम्फीबियंस का हार्ट भी आपका 3 chambered होता है एंड ये भी कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स होते हैं। तभी आपने देखा होगा जो भी आपके फ्रॉग होते हैं वो आपके बारिश के मौसम में दिखते हैं, क्योंकि बारिश के मौसम में ना ज़्यादा गर्मी होती है ना ज़्यादा ठंडी होती है ना, नॉर्मल कॉन्स्टेंट टेम्परेचर होता है। लेकिन जब बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है तो कभी फ्रॉग दिखते हैं आपको? नहीं। बहुत ज़्यादा ठंडी में दिखाई पड़ते हैं? नहीं। तो इसीलिए क्यों? क्योंकि उनकी बॉडी जो है वो कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर मेंटेन नहीं कर सकती है, कोल्ड ब्लडेड होते हैं। कोल्ड ब्लडेड होने का रीज़न क्या है? क्योंकि इनका हार्ट जो है वो सिर्फ 3 chambered का होता है, जिसकी वजह से जो ब्लड है ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आपस में मिक्सअप हो जाता है। ठीक है, तो यही रीज़न है। तो यहाँ पर भी सेम चीज़ होगी, 3 chambered हार्ट एंड 2 auricles 1 ventricle। ठीक है, अच्छा एक और चीज़, डबल सर्कुलेशन पे हमने डिस्कशन नहीं किया। देखो रेप्टाइल्स में आपका डबल सर्कुलेशन होता है, ठीक है, एंड एम्फीबियंस में भी आपका डबल सर्कुलेशन होता है। ठीक है, उसमें कोई इफेक्ट नहीं आता है, डबल सर्कुलेशन आपका रेप्टाइल्स एंड एम्फीबियंस दोनों में होगा, यानी कि जो ब्लड का सर्कुलेशन है फ्रॉम द हार्ट टू द लंग्स एंड लंग्स टू द हार्ट एंड दूसरा सर्कुलेशन हार्ट बॉडी बॉडी हार्ट, तो ये आपका रेप्टाइल्स में भी होगा एंड एम्फीबियंस में भी होता है। तो इस पर भी आप लिख लीजिएगा, इसमें भी डबल सर्कुलेशन देखने को मिलता है, ठीक है, एंड इसमें भी डबल सर्कुलेशन देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये ऑल्दो इनके पास 3 ही chambered का हार्ट है बट डबल सर्कुलेशन इनमें देखने को मिलता है। ठीक है, अब हम फाइनली मूव करते हैं पाइसेस पे, यानी कि फिश पे। पाइसेस यानी कि फिश की जो ग्रुप होता है जिसमें सारी फिश आपकी आती हैं उसको कहा जाता है पाइसेस। ठीक है, तो पाइसेस जो होते हैं ये आपके वाटर में पाए जाते हैं, ठीक है, एंड इनके पास गिल्स होते हैं रेस्पिरेशन के लिए। ठीक है, जो भी ऑक्सीजन आता है वो आपका गिल्स के थ्रू ही तो आता है। ठीक है, अब आते हैं इसके हार्ट की कंडीशन पे। तो देखो इनका जो हार्ट होता है वो आपका थोड़ा डिफरेंट होता है क्योंकि इसमें सिर्फ 2 chambered होते हैं। कितने? 2 chambered, यानी कि सिर्फ 1 auricle 1 ventricle, बस इतना ही हार्ट है इनका। इनमें 4 chambered भी नहीं है, 3 chambered भी नहीं है, सिर्फ 2 chambered है
ऑरिकल के लिए, वेंट्रिकल के लिए, ठीक है। अब आते हैं डबल सर्कुलेशन, इसमें होता है कि नहीं, तो आंसर है नहीं होता है, क्योंकि इनमें सिर्फ दो ही चेंबर्ड हार्ट होते हैं, तो इसमें डबल सर्कुलेशन नहीं होता है। अब आप देखिए कैसे, देखो ये है पाइसिस का हार्ट, ठीक है, एंड यहाँ पे है आपके गिल्स, एंड ये है इसकी बॉडी, ठीक है। डायग्राम मैंने सबसे सिंपल फॉर्म में बनाया ताकि आपको समझ में आए। देखो बॉडी से जितना भी डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, ठीक है, डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, वो आपका एंटर करता है ऑरिकल्स में। कहाँ पर? ऑरिकल्स में, ठीक है। ऑरिकल से फिर वो एंटर करता है वेंट्रिकल्स में, एंड वेंट्रिकल से फिर वो मूव कर जाता है गिल्स में, ठीक है। कहाँ पर? गिल्स में। अच्छा, अब गिल्स में क्या होती है? ऑक्सीजन होती है कि नहीं? आपने देखा ही था, गिल्स जो होता है ये इनके लिए लंग्स है, जैसे हमारी बॉडी में लंग्स होते हैं, इनके पास गिल्स होते हैं, तो गिल्स के अंदर ऑक्सीजन है। तो जैसे ही ये ब्लड आपका इसमें मूव करता है, तो ब्लड का सारा CO2 जो है वो गिल्स के अंदर चला जाता है, एंड सारा ऑक्सीजन जो है वो आपका ब्लड के अंदर आ जाता है, एंड फिर उस गिल से ये ब्लड वापस से बॉडी में चला जाता है, ठीक है। तो अब ये जो ब्लड वापस से बॉडी में मिल रहा है वो कैसा है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो देखो यहाँ पर जो ब्लड का मूवमेंट है या जो फ्लो है वो एक ही डायरेक्शन में है, ठीक है। बॉडी से जो ब्लड है वो आपका हार्ट में एंटर करता है, हार्ट से आपका गिल्स, एंड गिल्स से फिर बॉडी में, ठीक है। कहीं पर भी जो ब्लड है वो आपका हार्ट में दोबारा एंटर नहीं कर रहा है, ठीक है। हार्ट में सिर्फ ब्लड की एक ही बार एंट्री हो रही है, इसीलिए सर्कुलेशन ये कैसा हो गया है? सिंगल सर्कुलेशन। जबकि बाकी सारे आपके जितने भी हार्ट आपने अभी देखे हैं, रेप्टाइल्स में या एम्फीबियंस में या मैमल्स में, हार्ट में ब्लड दो बार एंटर करता है, एक बार बॉडी से, दूसरी बार लंग्स से। लेकिन यहाँ पर सिर्फ बॉडी से ब्लड आ रहा है, गिल से कोई ब्लड वापस इसमें नहीं आता है, ठीक है। तो एक ही तरह का सर्कुलेशन है, इसीलिए हम बोलते हैं सिंगल सर्कुलेशन। एंड यहाँ पे हार्ट कैसा है? आपका टू चेंबर, सिर्फ एक ऑरिकल एक वेंट्रिकल प्रेजेंट है, ठीक है। तो इसके फीचर्स क्या हो जाएंगे? नंबर वन, ये भी आपके कोल्ड ब्लडेड होते हैं, ठीक है। नंबर टू, आपका डबल चेंबर्ड, यानी कि वन ऑरिकल वन वेंट्रिकल। नंबर थ्री, सिंगल सर्कुलेशन। तो ये ओनली पाइसिस ऐसे ग्रुप है जहाँ पे ब्लड का सर्कुलेशन जो है हार्ट में वो सिंगल है, जबकि एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, एव्स, मैमल्स, सब में आपका डबल सर्कुलेशन था। एंड अगर हार्ट की बात करते हैं तो पाइसिस में दो चेंबर्ड हार्ट होता है, ठीक है, फिर एम्फीबियंस में थ्री चेंबर्ड, रेप्टाइल्स में थ्री चेंबर्ड, देन एव्स एंड मैमल्स में फोर चेंबर्ड। अच्छा, एक एक्सेप्शन भी है आपका, जो रेप्टाइल्स होते हैं उसमें एक एनिमल है जिसका नाम है क्रोकोडाइल। तो क्रोकोडाइल ऑल्दो वो रेप्टाइल्स में बिलोंग करता है, बट उसका हार्ट जो होता है वो हमारे जैसा होता है, यानी कि फोर चेंबर हार्ट होता है, ठीक है। तो ये एक्सेप्शन है, ओके। सो नाउ हमारा ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम अब ख़त्म हो गया है। अब कुछ टर्म्स जो कि हार्ट से रिलेटेड है, जो कि आप फ्रीक्वेंटली जब भी आप डॉक्टर के पास जाते होंगे तो आपने इनको ज़रूर सुना होगा, जैसे कि हार्ट बीट है, पल्स रेट है, एंड आपका ब्लड प्रेशर वगैरह है। तो हम उन्हीं टर्म्स एंड टर्मिनोलॉजीज को यहाँ पर थोड़ा एक्सप्लेन कर देते हैं, उसके बाद फिर फाइनली हम लिम्फेटिक सिस्टम पर मूव करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें हार्ट बीट की, तो देखो हार्ट बीट जो होता है वो बेसिकली एक कंप्लीट साइकिल होती है हार्ट में, जिसमें उसमें कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन दोनों होता है। जब आपका रिलैक्सेशन हो रहा होता है उस केस में हार्ट में ब्लड एंटर कर रहा होता है दोनों साइड से, ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो हार्ट में एंटर कर रहा है। एंड जब आपका कॉन्ट्रैक्ट होता है तो उस केस में आपका ब्लड जो है वो हार्ट से लीव करता है, ठीक है। तो ये आपका एक साइकिल में जहाँ पर हार्ट में कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन दोनों होता है, इसी को हम कहते हैं हार्ट बीट। तो देखिए हार्ट बीट मतलब वन कंप्लीट कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ हार्ट इज नोन एज हार्ट बीट, ठीक है। तो जब भी आप डॉक्टर के पास जाते हैं, अगर आपको किसी भी तरह की बीमारी है या अबनॉर्मेलिटी है, तो वो आपकी हार्ट बीट चेक करते हैं, क्योंकि कोई भी नॉर्मल हेल्दी पर्सन की जो हार्ट बीट होती है वो 70 to 72 पर मिनट होती है, ठीक है। एक मिनट में 70 to 72 तक हो सकता है, लेकिन अगर आपको फीवर है या किसी भी तरह की डिजीज़ है तो ये हार्ट बीट जो है वो आपकी वेरी करेगी, ठीक है। तो इसीलिए जब भी आप डॉक्टरों के पास जाते हो तो सबसे पहले वो आपकी हार्ट बीट को ही चेक करता है। तो देखिए इट इज़ बेसिकली 70 to 72
टाइम्स पर मिनट, ये आपके एमसीक्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पूछा जा सकता है कितने बार होता है, एक मिनट में कितनी बार हार्ट बीट आपकी सुनाई देती है। नेक्स्ट देखो, इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर लिसनिंग हार्ट बीट, ये भी आपका एमसीक्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कौन से इंस्ट्रूमेंट से डॉक्टर हार्ट बीट को सुनते हैं, तो वो है आपका स्टेटोस्कोप। स्टेटोस्कोप इज यूज फॉर लिसनिंग द हार्ट बीट्स। नाउ नेक्स्ट आते हैं पल्स रेट। तो देखो, पल्स रेट से पहले पल्स क्या होता है उसको समझ लेते हैं। तो देखिए क्या होता है ना, आपका हार्ट जब कॉन्ट्रैक्ट होता है, ठीक है, हार्ट जब कॉन्ट्रैक्ट होता है तो उससे ब्लड बहुत ही प्रेशर से बाहर निकलता है, ठीक है, एओटा के थ्रू और डिफरेंट डिफरेंट आर्टरीज के थ्रू पूरी बॉडी में सप्लाई हो जाता है ना। तो इतने प्रेशर पड़ने की वजह से जो ब्लड है वो बहुत प्रेशर से आर्टरीज में रिलीज होता है, जिसकी वजह से जो आर्टरीज की वेजल्स होती हैं वो एक्सपैंड हो जाती हैं। देखो, इसमें ब्लड इतनी प्रेशर से आया तो उसकी जो वेजल्स हैं वो थोड़ी एक्सपैंड हो जाती हैं, एंड इसी एक्सपेंशन ऑफ द आर्टरीज को हम कहते हैं आपका पल्स, ठीक है। वन कैन फील द पल्स इन देयर रिस्ट, आप अपने रिस्ट को थोड़ी देर दबा के रखिए तो आपको उसमें ये पल्स फील होंगी, ठीक है, वो थोड़ा इस तरीके से, देखो ऐसे देन ऐसे, इस तरीके से आपको कुछ फील होगा, ठीक है, एंड इसी को हम कहते हैं पल्स रेट। तो पल्स रेट जो होती है वो आपकी बिल्कुल इक्वल होती है हार्ट बीट के, क्योंकि जब जब आपका हार्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है तो उसमें ये इस तरह से एक्सपेंशन होता है, एंड जब हार्ट रिलैक्स होगा तो वो फिर से नैरो हो जाती हैं, ठीक है। तो जिस तरह से आपका हार्ट कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करता है, सिमिलरली जो आपकी आर्टरीज होती है वो भी एक्सपैंड होती हैं, नैरो होती है, एक्सपैंड एंड नैरो, ठीक है। तो हम जो हैं हार्ट बीट को पल्स रेट से भी डिटरमाइन कर सकते हैं, ठीक है, थीके? जितना आपकी हार्ट बीट होगी उतना ही आपका पल्स रेट भी होता है, ठीक है। तो देखिए, इट इज़ इक्वल टू द नंबर ऑफ हार्ट बीट पर मिनट, यानी कि एक मिनट में अगर हार्ट बीट आपकी 70 से लेकर 72 है तो आपकी पल्स रेट भी उतनी ही होगी। अच्छा, अगर आप एक्सरसाइज वगैरह कर रहे हैं या फिर कुछ ऐसा कर रहे हैं जिसमें खूब सारी एनर्जी लग रही है, तो उस केस में आपकी हार्ट बीट एंड पल्स रेट दोनों ही बढ़ जाती है। जैसे कि जब हम बहुत ज़्यादा फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं तो हमारा जो हार्ट बीट है, यानी कि हार्ट है, वो बहुत ज़ोरों से धड़कता है ना, क्यों, क्योंकि उससे ज़्यादा एनर्जी मिलती है। तो इसीलिए उस टाइम पर हार्ट बीट जो होती है वो 100-120 पर मिनट भी हो जाती है, एंड सिमिलरली पल्स रेट भी उस टाइम पर चेंज हो जाती है, 100 से लेकर 120 तक उस टाइम पे वो चेंज हो सकता है। सो नाउ नेक्स्ट हेडिंग है हमारी ब्लड प्रेशर। तो देखो, अभी तक हमने हार्ट बीट पढ़ा, देन हमने पल्स रेट पढ़ी, अब आते हैं ब्लड प्रेशर पे। तो बेसिकली द प्रेशर थ्रू विच ब्लड इज पम्प्ड अराउंड द बॉडी बाय द हार्ट इज कॉल्ड एज ब्लड प्रेशर। कितने प्रेशर के साथ ब्लड को पंप किया जा रहा है, किसके द्वारा, हार्ट के थ्रू, उसी को हम कहते हैं ब्लड प्रेशर। तो देखो, ब्लड प्रेशर आपका है, बेसिकली हम दो तरह से इसको डिवाइड करते हैं, वन इज सिस्टोलिक प्रेशर, अनदर वन इज डायस्टोलिक प्रेशर। सिस्टोलिक प्रेशर बेसिकली रिप्रेजेंट करता है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द हार्ट को। जब आपका हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है तो उससे बहुत ही ज़्यादा प्रेशर से ब्लड आपका रिलीज होता है, एंड इस प्रेशर की वजह से जो आपकी आर्टरीज होती है वो एक्सपैंड भी कर जाती हैं, है ना। आपने अभी पल्स रेट में पढ़ा था कि द एक्सपेंशन ऑफ द आर्टरीज इज कॉल्ड एज पल्स, है ना। तो हम इस प्रेशर को फिर एक मशीन के थ्रू नाप सकते हैं, एंड उससे हम पता लगा सकते हैं कि कितना सिस्टोलिक प्रेशर पड़ता है। सिमिलरली जब आपका हार्ट रिलैक्स हो जाएगा तो आर्टरीज वापस अपने नॉर्मल स्टेट में आ जाएंगी, है ना, एंड उसमें ब्लड जो होगा वो नॉर्मली फ्लो होने लगेगा, ना कि प्रेशर से, एंड उसको हम कहते हैं डायस्टोलिक प्रेशर। जब आपकी आर्टरीज पर किसी भी तरह का प्रेशर नहीं लग रहा है क्योंकि हार्ट जो है वो रिलैक्सेशन स्टेट में चला गया है, ठीक है। तो इन्हीं दो प्रेशर को हम अब यहाँ पर देखेंगे। तो देखिए, जब आपका सिस्टोलिक प्रेशर, यानी कि जब आपका हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है और उससे ब्लड बहुत ही ज़्यादा प्रेशर से बाहर रिलीज होता है, तो आर्टरीज उस टाइम पे क्या हो जाएंगी, अपनी नॉर्मल पोजिशन से एक्सपैंड हो जाती हैं, ठीक है। तो उस टाइम पे देखिए ब्लड का प्रेशर क्या होता है, इट इज़ 120 मिलीमीटर ऑफ मर्करी। तो ये आपका प्रेशर होता है जब आपकी हार्ट में कॉन्ट्रैक्शन स्टेट होती है, या कहिए फेज चल रहा होता है। नेक्स्ट, जब आपका हार्ट रिलैक्स स्टेट में हो जाता है, ठीक है, यानी कि अब उसमें हार्ट जो ब्लड है वो आपका पोर हो रहा है, ठीक है, अब किसी भी तरह का कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो रहा है, तो उस केस में आपका जो आर्टरीज है वो वापस से एक्सपैंड से क्या हो जाएंगी, नॉर्मल स्टेट में आ जाएंगी, ठीक है। तो अब वो प्रेशर कितना है, इट इज़ 80
मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी। तो अगर हम किसी भी नॉर्मल हेल्दी अडल्ट में ब्लड प्रेशर को देखेंगे तो वो बस इतना ही होता है, 120 से लेकर 80 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी। ठीक है, 120 होता है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द हार्ट एंड 80 होता है रिलैक्सेशन ऑफ द हार्ट, यानी कि सिस्टोलिक प्रेशर एंड डायस्टोलिक प्रेशर। ठीक है, लेकिन ये जो आपका ब्लड प्रेशर है या बीपी है, ये आपका एज के साथ इंक्रीज होता जाता है। ठीक है, एज के साथ ये बीपी आपका बढ़ता भी जाता है। एंड अगर आपकी लाइफस्टाइल अच्छी नहीं, आप अगर अच्छा फूड नहीं खा रहे हो, बहुत ज़्यादा फैट कंज्यूम कर रहे हो, तो उस केस में आपका जो ब्लड प्रेशर है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। क्यों बढ़ जाता है? क्योंकि उस केस में जो आर्टरीज होती हैं वो आपकी नैरो हो जाती हैं। सोचिए, जब आप बहुत सारा फैट का मॉलिक्यूल अपनी बॉडी में कंज्यूम करेंगे तो ब्लड के साथ अब ये फैट भी आपका इसमें आ जाएगा। तो आर्टरीज की पहले पोजीशन थी इतनी एंड अब फैट की वजह से हो गई है बस इतनी, तो ब्लड को बस इसी एरिया में आप फ्लो करना रहेगा। ठीक है, इसीलिए कहा जाता है कि ज़्यादा फैट कंटेनिंग फूड को आपको नहीं खाना चाहिए। ठीक है, क्योंकि उससे जो आपकी बॉडी की आर्टरीज हैं वो नैरो हो जाती हैं एंड जितनी ज़्यादा आर्टरीज नैरो होंगी उतना ही ज़्यादा हार्ट को कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा ब्लड को प्रेशर से रिलीज करने के लिए एंड उतना ही ज़्यादा आपका ब्लड प्रेशर और ज़्यादा इंक्रीज होगा। ठीक है, एंड ये एक्यूट केसेस में हार्ट अटैक, चेस्ट पेन एंड डिफरेंट तरह की हार्ट प्रॉब्लम्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो देखो, मैंने यहाँ पर लिखा भी है, हाई ब्लड प्रेशर इज इक्वल्स टू हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन की सिचुएशन आ जाती है एंड आपको कोशिश करनी चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा आप इस ब्लड प्रेशर को नॉर्मल रखें। ठीक है, नॉर्मल बीपी होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपकी बीपी ज़्यादा आ रही है दैट मीन्स आपकी आर्टरीज जो है वो नैरो हो रही हैं, उस पर बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ रहा है एंड ये कहीं ना कहीं आपका इंडिकेट करता है कि आपका जो फूड डाइट है उसमें फैट बहुत ज़्यादा है, कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा है। ठीक है।